हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 का जो चैप्टर है 7, जो कि हमारा अंडरस्टैंडिंग मेडिकलाइजेशन, इसका मतलब है कि आज के चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो वो हास्यकरण है वो कहते किसे या इसकी समझ के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम जो जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पहला टॉपिक यही होगा कि जो हास्यकरण, पहले तो हम इसके बारे में इसकी डिफिनेशन समझेंगे कि आखिर जो हमारा मेडिकलाइजेशन होता है वो होता क्या है, यानी कि जो हमारा हास्यकरण है, जिसका मतलब हिंदी में हम कहते हैं इसे हास्यकरण, हास्यकरण इसका मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझेंगे। इसके बाद जो हम इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक होगा वो ये कि आदिवासी किसे कहते हैं, यानी कि जो आदिवासी है वो कहते किसे हैं, आदिवासी कौन होते हैं, कौन होते हैं। फिर हम इसमें दूसरा टॉपिक जो होगा वो ये समझेंगे कि जो आदिवासी और उनकी जो प्रचलित छवियां हैं उसके बारे में हम समझेंगे, यानी कि हम आदिवासी के प्रचलित छवियां, यानी कि हम उनके कल्चर सबके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, और उनकी प्रचलित यानी कि जो कि चल रही हो, उनकी जो भी कल्चर चल रही हो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, प्रचलित छवियां। उसके बाद जो हमारा इसमें तीसरा टॉपिक है वो हम ये समझेंगे कि अल्पसंख्यक, यानी कि जिसे हम माइनॉरिटी कहते हैं, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक और आदिवास, और जो हमारा है हास्यकरण, हास्यकरण। और हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा इसी चैप्टर का वो होगा जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, यानी कि हम मुसलमान और हास्यकरण के बारे में समझेंगे। ये चार टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो हमारा मेडिकलाइजेशन है वो है क्या। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा ये हास्यकरण है ये कहते किसे हैं। तो हास्यकरण का जो मतलब होता है वो होता है कि किनारे या किसी को साइड में कर देना, किसी भी कम्युनिटी को जब साइड में कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं मेडिकलाइजेशन, यानी कि हास्यकरण। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि ये एक सर्कल है और बीच में ये सेंटर है, अगर इसी यहाँ पे जितने भी जो चीजें हैं, ऐसा व्यक्ति जिसे हम क्या करते हैं सेंट्रल से जब अलग कर देते हैं, या हम किसी भी चीज को जब उस सेंट्रल से अलग कर देते हैं तो वो हमारा होता है मेडिकलाइजेशन, यानी कि हास्यकरण। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जब हम अपने सोसाइटी में देखते हैं, सोसाइटी के अंदर जब हम कुछ कम्युनिटीज को, यानी कि कुछ लोगों को, और सिर्फ एक कास्ट के आधार पे जब हम अलग करने लगते हैं, जिससे कि उनकी जो भी राइट्स हैं वो उन तक नहीं मिल पाते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो उन्हें अधिकार दिए गए जब वो सब उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं, तब हम उसे कहते हैं मेडिकलाइजेशन, यानी कि हास्यकरण करना, यानी कि अपनी जो सेंट्रल कम्युनिटी है उससे एकदम सेपरेट कर देना। एग्जाम्पल की जैसे मैं यहाँ पे अभी समझा रहा था कि जैसे एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है और यहाँ से ये जितने भी जो कम्युनिटीज के लोग हैं इनमें से जब किसी एक समुदाय को क्या करे सेंटर से बाहर कर दे, यानी कि सेंटर से क्या कर दे बाहर कर दे, तो वो क्या बन जाएंगे हमारे हास्यकरण बन जाएंगे, यानी कि मेडिकलाइजेशन हमारा वो बन जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जो वो व्यक्ति जिसे केंद्र में नहीं रहने दिया जाता, यानी कि सेंट्रल में नहीं रहने दिया जाता, उसे हम कहते हैं हास्यकरण। समाज में भी कुछ ऐसे समूह या समुदाय होते हैं जिनमें क्या है जो बेदखली होती है, या बेदखली का क्या होता है हमें एहसास देखने को मिलता है, या हमें ऐसी जो फीलिंग्स होती है वो आती है, इसी वजह से क्या होता है वो हमारा एक हास्यकरण की वजह होती है। तब जब किसी व्यक्ति को क्या करते हैं जब सेंटर से अलग कर दिया जाता है ना, जिस कम्युनिटी को सेंटर से अलग कर दिया जाता है, तो वो हमारा बन जाता है हास्यकरण। तो जैसे कि हास्यकरण में जो जैसे कि हास्यकरण में एक्शन जैसे हमें क्या देखने लगते हैं तो इंटरफेयर की फीलिंग आने लगती है। जब भी हास्यकरण का जो एक मेन कारण होता है वो क्या होता है इंटरफेयर। जब तक इंटरफेयर नहीं होता है तब तक किसी तरीके से हास्यकरण थोड़ा सा पॉसिबल, मतलब बिना इंटरफेयर किए हास्यकरण
नहीं होता है, इंटरफेयर करने की ही फीलिंग आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम किसी एक कम्युनिटीज को क्या करते हैं, अपने सेंटर से अलग कर देते हैं। तो जैसे कि जब हासीकरण की वजह से क्या होता है, अलग अलग उसमें भाषाएं बोलने या हमें अलग अलग भाषा अब देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हर एक कम्युनिटी का अपना एक लोकल लैंग्वेज होता है, तो उसी तरीके से हासीकरण की वजह से हो सकती है कि उनका एक अलग बोल, उनकी एक अलग भाषा हो, या उनकी एक अलग समझ रखते हो, या कोई एक अलग भाषा का समझ रखते हो। तो इसमें एक कारण बता रहे हैं कि जो हास्यकरण होता है उसका एक कारण यह है कि अलग भाषा का होना या एक अलग भाषा की समझ का होना, तो ये एक हास्यकरण का कारण बन जाता है। या अलग रीति रिवाज का होना, या जो कि जो बहुत मत संख्या के मुकाबले किसी दूसरे धर्म का कम यानी कि कम पॉपुलेशन वाला समुदाय होना, ये सारे कारण क्या है, एक हास्यकरण के कारण है। जैसे कि अगर हम हास्यकरण के और कारण की बात करें, तो वो क्या हो सकता है, एक आर्थिक के आधार पर हो सकता है, एक आर्थिक के आधार पर हो सकता है, दूसरा किसके सामाजिक आधार पर, सामाजिक या राजनीतिक, सभी दायरे में हमें क्या है, एक हास्य समूह दिखाई देते हैं। और इसके अलग अलग कारण जो होते हैं, जैसे कि एक अलग भाषा का हो जाना या एक अलग रीति रिवाज पर विश्वास रखना, ये सब कारण किसके होते हैं, एक हास्यकरण के होते हैं। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो ये है कि आखिर आदिवासी कहते किसे। यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जिसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि इस तरीके से एक हास्यकरण हमें देखने को मिलता है हमारी सोसाइटी में। जैसे कि ये दो चाइल्ड हैं जो कि टीवी पर रिपब्लिक डे देख रहे होते हैं, वे अपने दादाजी से कहते हैं कि ये देखिए जो आदिवासी है वो उन्हें नाव पे डांस कर नाव पे दिखाया जा रहा है। तो उसके दादाजी कहते हैं कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो आदिवासी हैं उनकी लाइफ एक रिच और एक समृद्ध लाइफ होती है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता। तो यहाँ पे जी ये जो दादाजी हैं वो इन दोनों चाइल्ड्स को अपनी एक स्टोरी बताते हैं कि किस जब वो उड़ीसा में एक गांव में थे, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, क्योंकि वहाँ पे उनकी बेसिक की सारी रिक्वायरमेंट की चीज़ें उन्हीं के गांव में, उन्हीं के जंगलों में मिल जाती थी, जिसके वजह से वहाँ के लोगों की और इनकी जो लाइफ थी, एक हैप्पीनेस लाइफ लोग सर्वाइव कर रहे थे, हैप्पीनेस लाइफ सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, कोई सडनली क्या हुआ, वहाँ पे कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर और कुछ जो जमींदार आए वहाँ से, फिर क्या करे, उन लोगों की जमीनें खरीदने लगे और उनको वहाँ से हटाने लगे। जब इन लोगों को वहाँ से हटाने लगे, तब कहा जा रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोहे के खदान है वो जमीन के अंदर है, और जिसके वजह से वहाँ पे क्या है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने लगे, और जितने भी जो उड़ीसा के जो आदिवासी लोग थे उनसे उनकी ज़मीनें खरीदी जाने लगी। बहुत से लोगों को ये आश्वासन दिया गया गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा और जो वहाँ के जो ठेकेदार थे कि उन्हें पैसे और रोजगार दोनों दिए जाएंगे। जिस चक्कर में वहाँ पे क्या था कि जमींदार और फॉरेस्ट ऑफिसर ने काफ़ी हद तक जंगल को क्या कर दिया था, साफ कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कहना ये था कि इस ज़मीन में बहुत सारे जो आयरन के रिसोर्सेस हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन फिर उन्हें कहा गया कि वो अगर वो मना करते तो उन्हें क्या करना था, या तो अगर वो अपनी ज़मीन को सेव करने के लिए अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें कोर्ट में घसीटा जा सकता था, और उनके पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं था, यानी उनके पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है जिससे कि वो लॉयर हायर कर सके या कोर्ट में क्या कर सके, वो अपने लिए कोर्ट मतलब केस फाइल दर्ज करा सके। तो दादाजी इन दोनों को ये स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि वो किस तरीके से जब उनसे ज़मीनें ले ली गई थी, तो वो किस तरीके से काफ़ी स्ट्रगल करके वो अपना जीवन एक अपना गांव छोड़ करके अपनी एक पुश्तैनी ज़मीन छोड़ करके एक किराए के मकान में उन्होंने अपना जीवन सरवाइव किया था। फिर वो कहते हैं कि बहुत से लोगों ने अपनी ज़मीनें दे दी और बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन उनसे भी क्या की गई, तो जबरदस्ती उनसे जमीन छीन ली गई और उन्हें मारा पीटा जाने लगा जिन लोगों ने जमीनें देने से मना कर दिया। तो फिर दादाजी यहाँ पे स्टोरी में इनके दादाजी यही समझाते हैं कि जो आदि मानव होते हैं यानी कि जो आदिवासी होते हैं, उनकी जो लाइफ है वो काफी हद तक एक समृद्ध लाइफ जीते हैं, अपनी एक समृद्ध जीवन जीते हैं, और इसके बारे में काफी से लोगों को नहीं पता है।
तो फिर इनकी जो ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन है वो पूछती हैं कि आप वहाँ से जिंदा कैसे बचे। तो वो अपनी स्टोरी में बताते हैं कि उन्हें जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था तो वो एक किराए के मकान में थे, और उन्हें कुछ पैसे जो मिले थे उनके ज़मीन से, तो उनसे वो कुछ दिन तक और काफ़ी दिक्कत से उन्होंने अपनी लाइफ को सर्वाइव किया। जैसे ही इनके सन को दिल्ली में नौकरी मिलती है तो वो कहाँ जाते हैं, तो शहर में आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे इनका सन कहता है कि उन्हें यहाँ पे इनका सन इनका जो ग्रैंड सन है वो कहता है कि मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि वो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है, जिसके वजह से उसकी क्लास के जो क्लासमेट्स हैं वो इसे चिढ़ाते हैं, इसलिए वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता है। बट जो ग्रैंड डॉटर वो ये कहती है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके वजह से मैंने क्या कर रखा है, तो कुछ कुछ इंग्लिश बोलना सीख रखा है। तो यहीं पे वो कहते हैं कि जो ग्रैंड फादर हैं इनसे कहते हैं कि तुम अपनी क्लास में बच्चों के इसके बारे में बताना, क्यों? क्योंकि जैसे ही ग्रैंड डॉटर अपने ग्रैंड फादर से कहते हैं कि यदि मेरा गांव होता तो मैं अपने फ्रेंड्स को अपने गांव घुमाने ले जाती, तभी उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि अपने फ्रेंड्स को तुम अपने गांव के बारे में भी बता सकते हो, तो उससे उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फिर ये कहती है कि जैसे ही वो बड़ी होगी तो वो अपने गांव के ऊपर और एक जो आदिवासी है उनके कल्चर के ऊपर एक फिल्म बनाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा हास्यकरण है वो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। हास्यकरण का यही मतलब होता है कि एक कम्युनिटी को क्या करना, सेंटर से अलग कर देना, जिसके वजह से जो भी राइट्स हैं जो भी अधिकार हैं वो उसका प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि हास्यकरण कहते किसे हैं। अब यहाँ से हमारा जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट होता है कि जो हमारे आदिवासी हैं वो कहते किसे हैं। जो आदिवासी है इस शब्द का जो मीनिंग होता है वो होता है मूल निवासी। आदिवासी का जो मीनिंग है वो क्या होता है, मूल निवासी। मूल निवासी जो ये ऐसे समुदाय के लोग होते हैं जो कि जंगल के साथ जीते, यानी कि वो फॉरेस्ट में जीना ज्यादा पसंद करते हैं। उनकी जो लाइफ कल्चर होती है वो कहाँ होती है, तो फॉरेस्ट में ही होती है। हमारे देश में करीबन 8% जो है, 8% हमें क्या देखने को मिलती है, 8% आबादी हमें किस में देखने को मिलती है, आदिवासी में देखने को मिलती है। आदिवासियों में देखने को मिलती है, और आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। आदिवासी को अगर हम अलग भाषा में कहें तो क्या कहा जाता है उन्हें, जनजाति, जनजाति भी कहा जाता है। अगर हम भारत बात करें कि हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में कुल कितने, 500 से ज्यादा अलग अलग तरीके के हमें क्या देखने को मिलते हैं, तो आदिवासी ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम सिर्फ उड़ीसा की बात करें तो सिर्फ उड़ीसा में ही 60 अलग अलग तरीके के हमारे जनजाति यानी कि आदिवासी के समूह रहते हैं, और हमें वहाँ पे 60 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के क्या हैं, आप जो आदिवासी है उनकी उनका जो ग्रुप है हमें देखने को मिलता है। आदिवासी समाज औरों से क्या है, बिल्कुल हमें अलग दिखाई देती है, क्योंकि उनके भीतर क्या है, ऊंच नीच का फर्क बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि आदिवासी है जो हम और जनजाति है जिसे हम ट्राइबल कम्युनिटीज कहते हैं, उसमें हमें एक जो डिस्क्रिमिनेशन है ऊंची और नीची जाति के नाम पे वो हमें क्या है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर हम आदिवासी की बात करें तो आदिवासी हमें मोस्टली किन किन स्टेट में देखने को मिलता है, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न स्टेट रीजन में। जैसे कि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा में हमें देखने को मिलता है। तो उनके जो जो आदिवासी है उनके धर्म अलग होते हैं, जैसे कि हिंदू, ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों से क्या होते हैं, वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की यानी कि वो हमेशा अपने ओल्ड जो जो उनके जो ओल्ड कल्चरल होते हैं यानी ओल्ड जो भी उनके सोर्सेस होते हैं वो उनकी पूजा पाठ करते हैं। जो भी आदिवासी होते हैं वो मोस्टली किसकी, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, एनिमल हो गया, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, ये इन सब की ही पूजा पाठ करते हैं और इन्हीं पे इनका कल्चर डिपेंड रहता है।
तो उड़ीसा के अंदर क्या है, हमें 60 से भी ज्यादा अलग अलग क्या है ट्रैवल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। यहाँ से एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मिल जाएगा कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा ट्रैवल कम्युनिटीज के ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो जो आदिवासी लोग हैं वो अपनी किन किन आत्मा मतलब वो अपनी कल्चर की जो स्पिरिट है वो कहाँ कहाँ देखते हैं, तो उनकी स्पिरिट्स हम वो हमेशा देखते हैं किसमें, तो अगर हम बात करें तो गांव की सीमाओं के भीतर जो निर्धारित जितने भी जो एक हॉलिस्टिक प्लेस होते हैं या हॉलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम बात करें अभी जैसे मैंने बताया था यहाँ पे फॉरेस्ट, एनिमल, माउंटेन्स, रिवर, इन सब में वो क्या करते हैं अपने स्पिरिट को ढूंढते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। तो ये इन्हीं सब की वो क्या करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, और इनका जो कल्चर रहता है वो क्या रहता है, इस जैसे कि हिंदूज, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इन सब की प्रैक्टिस से वो क्या रहता है अलग रहता है, और वो अपने गांव और अपने नेचर में ही वो क्या करते हैं स्पिरिट को ढूंढते हैं, यानी कि आत्माओं को ढूंढते हैं। जैसे कि हम भगवानों में क्या करते हैं एक आस्था रखते हैं, उसी तरीके से वो किस पे आस्था रखते हैं, तो फॉरेस्ट, नेचर, विलेज, इन सब पे अपनी आस्था रखते हैं। अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की, तो 19th सेंचुरी में हमें क्या देखने को मिला था, अगर हम बात करते हैं 19th सेंचुरी की, तो उसमें कहा गया उसमें था कि 19th सेंचुरी में बहुत सारे आदिवासियों ने क्या किया था, ईसाई धर्म को अपना लिया था, जो कि आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है, जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है। यानी कि हम बात करते हैं किसमें 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, बहुत सारे आदिवासी ने किस चीज को अपना लिया था, एक आधुनिक धर्म को यानी कि ईसाई धर्म को अपना लिया था। आदिवासी की जो अपनी भाषाएं हैं, यानी कि जब हम बात करते हैं किसकी, एक आदिवासी की, तो आदिवासी की क्या है, एक खुद की भाषा है जिसे हम कहते हैं, जो कि है हमारा, जिसे जिसमें हम संथाली वाले संथाली बोलने वाले की संख्या सबसे ज्यादा है। यानी कि हम बात करते हैं जब आदिवासी की जो अपने खुद की जो लैंग्वेज है उसमें सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है, तो संथाली है। कौन सी है, तो संथाली है। सरकारी दस्तावेज में आदिवासियों के लिए क्या है, एक अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया है। यानी कि अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में क्या है, एक शेड्यूल ट्राइब के नाम से क्या है एक वर्ड यूज किया जाता है, जिसमें आदिवासी की जो समुदाय की सरकारी सूची भी बनाई गई है। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने समझा कि आदिवासी थे है कौन, यानी आदिवासी कहते किसे हैं। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो ये है कि आदिवासी एंड स्टेटरो टाइपिंग्स, मतलब इसका क्या होता है, आदिवासी और उनके जो प्रचलित छवियां हैं हम उनके बारे में समझेंगे। यानी कि हम अगर बात बात करें कि भारत में क्या है, भारत में हर जो भी फंक्शंस के टाइम पे स्कूल में क्या है, एक ऑफिशियल इवेंट्स और बुक्स क्या है वहाँ पे, यानी कि बात करें स्कूलों के जो उत्सव और सरकारी जो कार्यक्रम व किताबें हैं उसमें फिल्म, रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर टोपी लगाए हुए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत ही आकर्षण, पुराने किस्म और पिछड़ा हुआ है। यानी कि आज के टाइम पे भी अगर हम बात करते हैं एक ट्राइबल कम्युनिटीज यानी कि आदिवासी की, तो हमारे माइंड में एक पहला इमेजिनेशन यही आता है कि उनकी जो लाइफ है वो आज भी क्या है, काफी हद तक स्ट्रगल वाली लाइफ है। यानी कि जिसमें वो क्या है जो कि स्ट्रगल और अपने ओल्ड कल्चर पर वो क्या करते हैं आज भी अपनी लाइफ को डिपेंड करते हैं, ये आज के टाइम पे बहुत सी गलत फहमी में, और जैसा कि हमने अभी जो स्टोरी डिस्कस किया था उसमें भी दिखाया गया, जैसे यहाँ पे भी क्या है इमेज के थ्रू ये दिखाया गया कि जो आदिवासी कम्युनिटीज है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लीड्स कर रहे हैं अपने जो भी उनकी जो सोच है और जितने भी जो वो एक्साइटी और जो बैकवर्ड है इन सबको वो क्या कर रहे हैं इसमें बताने की कोशिश की जा रही है, कि जितने भी जो गलत फहमियां हैं आदिवासी से रिलेटेड इन दोनों इमेजेस में दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर बात करें कि खास समुदाय के बीच में एक खास समुदाय को बनी बनाई छवियों में देखे चले आने की वजह से क्या है, इस तरह के जो समुदायों के साथ क्या है अक्सर हमें भेदभाव देखने को
मिलता है जो कि इस इमेज में अभी डायरेक्टली दिखाने की कोशिश की गई है। आज भी जब भी हम ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करें या हम आदिवासी की बात करें तो हमारे माइंड में सबसे पहला जो इमेज आता है वो इसी तरीके का आता है, और जबकि अगर हम अदर कम्युनिटीज की बात करें तो वो इस तरीके का इमेजिनेशन हमारे माइंड में बनता है, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। और इसी गलत फहमी की वजह से क्या है, हम एक ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ क्या करते हैं तो भेदभाव करते हैं, और उनके साथ हम अपना एक डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो है हमारा आदिवासी एंड डेवलपमेंट, यानी कि आदिवासी और विकास। 19वीं सदी के आखिरकार में, यानी कि जब हम बात करें किसके 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, 19वीं सेंचुरी तक में जो हमारे देश का जो बड़ा हिस्सा था वो जंगलों से ढका हुआ था। यानी कि हम बात करें 19वीं सेंचुरी से पहले या पहले पहले तक में जो हमारी कंट्री थी वो किससे, फॉरेस्ट से, ज़्यादातर किससे थी, फॉरेस्ट से कवर थी। और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंड का आदिवासियों पर ही क्या चलता था, तो अपना वर्चस्व, यानी कि हम बात करें तो दबदबा चलता था। इन जो भी हमारे विशाल भूखंडों का जो आदिवासियों के पास क्या था, एक जबरदस्त ज्ञान। जो भी अगर हम बात करें 19वीं सेंचुरी में जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी नॉलेज हुआ करता था वो सबसे ज्यादा किनके पास होता था, तो आदिवासियों के पास होता था। कारण ये था क्योंकि जो आदिवासी लोग होते थे वो किस पे डिपेंड करते थे, फॉरेस्ट पे और नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते थे, जिनके वजह से उनके पास नॉलेज इन सब चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा था, और उनका जो फुली कंट्रोल था फॉरेस्ट पे वो किनका था, तो आदिवासी का ही 19वीं सेंचुरी में था। आज उन्हें हथियारों और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाने लगा। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो आज के टाइम पे जो हम आदिवासी मानव को देखते हैं तो वो किसके रूप, किस समुदाय के रूप में देखते हैं, तो हासियन और शक्तिहीन समुदाय के, यानी कि एक पावरलेस और एक ऐसे समुदाय के रूप में देखते हैं जिसे कि क्या है, सेंटर से बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है। जब हम बात करें कोलोनियल टाइम की, यानी कि जब हमारा देश गुलाम था तो उस टाइम पे क्या था, तो यानी कि गुलाम होने से पहले क्या था, आदिवासी जो समुदाय थे वो किस पे, शिकार और यानी कि शिकार और जो चीज़ें बिनकर क्या करते थे, अपनी जो जीविका है, अपनी जो लाइफ थी वो क्या करते हैं, तो सर्वाइव करते थे। तो इसका जो मेन कारण यही था, क्योंकि जो फॉरेस्ट पे था वो सबसे ज़्यादा अधिकार किसका था, तो आदिवासी का था। और जैसे ही हमारा देश कॉलोनियल होता है 200 सालों के लिए, जैसे ही हमारा देश 200 साल तक जो गुलाम रहता है, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो ब्रिटिश जो आए थे वो सब, फिर उसके बाद किस पे इकोनॉमिक चेंजेस के लिए क्या किया था, उन्होंने जितने भी जो फॉरेस्ट थे उसको उन्होंने साफ करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि जंगलों को काटना स्टार्ट कर दिया था। आर्थिक बदलावों, यानी कि जब हम बात करते हैं इकोनॉमिकल चेंजेस के बारे में, या उन नीतियों जो राज्य व निजी उद्योगों ने राजनीति दबाव की वजह से किया है, इन लोगों को बगानों से क्या किया, निर्माण स्थल, उद्योग और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जाने लगा। जैसे ही हमारी कंट्री में जब भी जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आना स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, जितने भी जो फॉरेस्ट थे उन सबको क्या करने लगा, तो डिफॉरेस्टेशन किया जाने लगा, और जिसके वजह से क्या, जितने भी जो आदिवासी थे तो उनको फैक्ट्रीज में, होम में, यानी कि घर में काम करने के लिए यूज़ किया जाने लगा। अगर हम बात करते हैं किसके, अगर हम बात करें अपने दो स्टेट, यानी कि अगर हम बात करें झारखंड और इसके आसपास के इलाकों में, करीबन 1830 के दशक में बहुत ही बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, जैसे कि हम बात करें मॉरिस, कैरिबियन, कैरिबियन और यहाँ तक कि जो ऑस्ट्रेलिया में भी जाते रहे थे। भारत का जो चाय उद्योग जो कि आसाम में है, यानी कि जब हम बात करें किसकी, भारत
में, यानी कि जब हम बात करते हैं कि भारत का जो चाय उद्योग है आसाम में, उनमें श्रम के ये जो बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया और आज अकेले आसाम में 70 लाख से ज्यादा क्या है वहां पे आबादी, आदिवासी हमें देखने को मिलते हैं, कितना तो 70 लाख से ज्यादा। अब बात करते हैं उद्योग के संसाधन, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हमारी कंट्री में आया, सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेस हैं वो कहाँ पाया जाता था, जो सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेस पाया जाता था वो पाया जाता था उन इलाकों पे जहाँ पे आदिवासी रहते थे, जहाँ पे आदिवासियों अपना निवास स्थान होता था, यानी कि जंगलों में जो होता है आधे से ज्यादा क्या माना पाया जाता था कि जो भी जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो कहाँ है, जो प्राकृतिक संसाधनों से जो भरी हुई रिसोर्सेस यानी कि मोर सोर्स ऑफ रिसोर्सेस हैं वो कहाँ, तो फॉरेस्ट जिसपे की कहाँ है, जिस पर आदिवासी अभी रह रहे, तो इन आदिवासियों को हटा करके वो सोर्सेस को निकालने के लिए जितनी भी जो पावरफुल कम्युनिटीज थी वो हमेशा एक साथ ग्रुप में रह करके क्या करती थी, तो काम करती थी। यदि हम गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग माने तो 50% जितने भी जो ज्यादा आदमी कम्युनिटीज को जो एक जगह से दूसरी जगह पर जो शिफ्ट किया गया था, तो उसमें से 50% से ज्यादा भी कौन थे, तो ट्राइबल कम्युनिटीज थे, जो सिर्फ माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए क्या किया जाता था, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया जाता था, और उनकी संख्या कितनी थी, 50% से भी ज्यादा अगर हम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की बात करें। तो इस डिस्प्लेस के कारण क्या था कि जितने भी जो आदिवासी थे उन्हें अपनी ओल्ड कल्चर, अपनी जो उनकी अपने जो परंपरागत नियम स्थान, उन्हें उनसे छीन ली गई, जिसके वजह से उन्हें क्या है, तो अपना जितना भी जो ओल्ड कल्चर था उन्हें भी वो सारी चीजें छोड़नी पड़ी थी। अब फिर इसी तरीके से बात करें, वहां उन्हें छोटे मोटे उद्योग, इमारतें या निर्माण स्थलों पर बहुत कम वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती थी, यानी कि जितने भी जो डिस्प्लेस्ड जो जनजाति यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उन्हें वहीं के पास के इलाकों में क्या करना था, तो जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता था तो उनमें उन्हें नौकरी दे दी जाती थी, और उनकी जो सैलरी रहती थी वो क्या रहती थी, काफी कम रहती थी। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो उसमें क्या था, तो 45%, और शहरी इलाकों में बात करें तो 35% आदिवासी जो समूह है वो क्या है, तो गरीबी रेखा से नीचे थे, नीचे गुजर बसर करते हैं। अगर हम वहीं पे बात करें और उनके बहुत सारे जो ऊंचे कुपोषण के शिकार रहते हैं, और उनके जो अगर हम बात करें कि अगर हम अर्बन एरिया की बात करें या रूरल एरिया की बात करें, तो उसमें क्या है, जो भी हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो क्या है, एक पॉवर्टी लाइन से नीचे है, पॉवर्टी लाइन से क्या है नीचे, और उनके और उनकी जितनी भी जो चाइल्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, तो वो जो कुपोषण है उसके शिकार से गुजर रहे हैं। अगर हम बात करें कि लिटरेसी रेट, अगर हम ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करें तो लिटरेसी भी रेट हमें क्या है, काफी कम देखने को मिलती है। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के क्या है, पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयां के तौर पर, और 372 जो प्रजातियां वो कीटानस के तौर पर, और 425 अगर हम बात करें 425 प्रजातियां क्या है, तो गोंद यानी कि जो से हम यानी कि गोंद का मतलब यहाँ पे वो चीज जिससे हम किसी भी चीज को, एक चीज को दूसरे ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से हम चिपकाते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे हम अगर अलग अलग तरीके के ग्लू की बात कर लें, फेविक्विक टाइप में, फेविस्टिक टाइप में, इस टाइप में, तो वो क्या, जो भी जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज थे उनको इतनी अच्छी खासी नॉलेज थी पेड़ पौधों की, जिनमें वो क्या करते थे, 10,000 से ज्यादा, यहाँ पे जैसे ये नोट्स में दिया है कि 10,000 से ज्यादा क्या करते थे, तो प्लांट के स्पीसीज वो क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करते थे, तो वो पेड़ पौधों का, सिर्फ पौधों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें से 8,000 जो स्पीसीज था वो सिर्फ मेडिकल पर्पज से यूज किया जाता था, और 325 जो थी वो किसके लिए, बैक्टीरिया यानी कि कीटाणु को मारने के लिए जो मेडिसिन बनाए जाते हैं उसके लिए, और 425 जो पौधे होते हैं उसको गम्स बनाने के लिए, 550 जो होते हैं
550 जो थे वो किसके लिए, यानी कि रेसों के लिए वह इस्तेमाल करते थे। अगर हाँ तो इतनी ज़्यादा उन्हें क्या थी, पौधों की नॉलेज थी। अगर हम बात करें कि इनमें से जो फिर 3500 जो प्रजातियाँ थी वो किसके रूप में काम आती थी, फूड के तौर पे काम आती थी, यानी कि भोजन के रूप में काम आती थी। तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या है, तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है यानी कि जो आदिवासी, उन्हें पेड़ पौधों की नॉलेज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और लेकिन जैसे ही माइनिंग के लिए इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस किया गया, तो यही जो कम्युनिटीज़ थी जो कि जंगल में अपनी एक समृद्ध लाइफ को सर्वाइव कर रहे थे, उन्हें कि वहाँ वो सारी चीज़ें उन्हें छोड़नी पड़ी और अपने कल्चर सब उन्हें छोड़ना पड़ा। और वो क्या है, तो एक अर्बन एरिया और रूरल एरिया में क्या है, तो एक पॉवर्टी ही लाइन से नीचे वाले जीवन वो व्यतीत करने लगे। अब जो अगला टॉपिक है वो है हमारा अल्पसंख्या और हासेकरण, यानी कि जो माइनॉरिटीज है और जो हमारा मैग्नेटाइजेशन है। तो अगला टॉपिक हमारा ये है, इसमें क्या है कि हमारा जो संविधान है, यानी कि जब हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो सेफ गार्ड करता है किसको, तो रिलीजियस को और जो हमारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उसको, किसमें, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के तहत। यानी कि अल्पसंख्या शब्द जो आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से इनकी आबादी ये क्या हो, बाकी आबादियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हो। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में क्या, असुरक्षित भी महसूस करते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में काफ़ी टाइम्स क्या होता है, जितने भी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो क्या करते हैं, एक अनसिक्योर सेल्फ फील करते हैं। कहाँ पे, तो मेजोरिटी के बीच में, मेजोरिटी कम्युनिटी के बीच में वो क्या करते हैं, काफ़ी हद तक अनसिक्योर फील करते हैं। अगर जब हम बात करें किसकी, अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, तो आज हमारे देश में जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं वो कौन कौन है, जैसे कि जैन, बौद्ध, मुस्लिम्स, सिख, फिर आपका आता है क्रिश्चियनिटी। ये ऐसे समुदाय हैं जो कि क्या है, हम ये ऐसी कम्युनिटीज हैं जो जिनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, हमारी कंट्री में कम है, जिसके वजह से हम इसे किस में रखते हैं, तो माइनॉरिटीज में रखते हैं। किस में रखते हैं, माइनॉरिटीज लिस्ट में हम इन्हें रखते हैं। तो कुछ खास परिस्थितियों में क्या है, जो छोटे जो समुदाय की यानी कि जो माइनॉरिटीज जो पीपल हैं वो क्या होते हैं, अपने आप को एक तरीके से क्या है, तो अनसिक्योर फील करते हैं, जबकि उनकी जो सिक्योर गार्ड की हमारे जबकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके सिक्योर हर एक माइनॉरिटीज के रिलीजन के सिक्योर गार्ड की बात की गई है। किसके, तो फंडामेंटल राइट्स के तहत। तो अगला जो अब हमारा टॉपिक है वो ये है, मुस्लिम्स एंड मेडिकलाइजेशंस, यानी कि अगर हम बात करें किसके, तो जो हास्यकरण है उसके और मुस्लिम्स के बारे में। अगर हम डाटा मानते हैं किसके, अगर हम अकॉर्डिंग टू डाटा 2021 सेंसस के तहत मानते हैं, तो मुस्लिम की जो भारत में परसेंटेज थी वो कितनी थी, 13.4 है। अगर हम 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग माने, अगर हम 2011 सेंसस के तहत माने, तो आज ये 14% से ज़्यादा हो गई है। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम देखें कि जो मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हासिलकरण की कई पहलू हमें यानी कि देखने को मिलते हैं, दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और जो व्यवहार मुद्दे धारा के मुकाबले क्या है, काफ़ी अलग है। यानी कि अगर हम मुस्लिम कम्युनिटीज़ की बात करें, तो उनकी जो भी कल्चर्स है वो क्या है, काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि हर एक रिलीजियस का जो कल्चर है वो अपना क्या होता है, अलग अलग होता है। उसी तरीके से हमें क्या है, तो मुस्लिम कम्युनिटीज़ का भी कल्चर अलग देखने को मिलता है। कुछ मुसलमानों में बुरखा, लंबी दाढ़ी और फैट टोपी
यानी कि जो जाले वाले टोपी होते हैं उनका चलन हमें दिखाई देता है। यहाँ पे कल्चर के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज़ में हमें किस तरीके का ट्रेडिशन यानी कि ड्रेसिंग स्टाइल सब किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम कच्चा हाउस की बात करें, ये 1994 का डाटा है जिसमें जो कि क्या है बेसिस अमिटीज है। अगर हम उसकी बात करें तो हमारे देश में जो कच्चा हाउस है किसमें, तो अगर हम हिंदूज और मुस्लिम्स के मुकाबले बात करें तो हिंदू के कम कच्चे हाउस थे 1994 में कंपेयर टू मुस्लिम। मुस्लिम में 63.6% क्या तो कच्चा हाउस देखने को मिलते हैं और 55.2% कच्चा हाउस किसमें हमें हिंदूज में देखने को मिलते हैं। यानी कि 1994 में जो मुस्लिम्स थे वो कच्चा हाउस में कितना 63.6% मुस्लिम्स रहते थे और जबकि हिंदू कितना रहते थे 55.2%। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 30% मुस्लिम्स के हाउस में एक्सेस था इलेक्ट्रिसिटी का और 43.2% था इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस किस में, तो हिंदूज के घर में। अगर हम पाइप टू वाटर की बात करें तो 19.4% एक्सेस था पाइप वाटर किसके, एक मुस्लिम्स घर में, और 25.3% था हिंदूज के घर में एक्सेस पाइप टू वाटर का। तो यहाँ पे एक डिफरेंस दिखाने की कोशिश की जा रही है किसमें, एक मेजोरिटी और एक माइनॉरिटीज में। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें 2001 के अकॉर्डिंग, तो 2001 के अकॉर्डिंग अगर हम ऑल की बात करें तो हमारे कंट्री में 65% ऑल लिटरेसी रेट थे, जिसमें से क्या है तो 65% हिंदूज का, 59% मुस्लिम्स का, 80% क्रिश्चियंस का, 70% सिख्स का, बुद्धिस्ट का 73 और जैन्स का 94। यानी कि सबसे अच्छा जो लिटरेसी रेट माना जाता है उस किसका माना जाता है, जैन्स और बौद्ध का माना जाता है, और तीसरे नंबर पे सिख्स का और चौथे नंबर पे, सॉरी सबसे ज़्यादा जो जो लिटरेसी रेट माना गया था किसका माना गया था, पहले नंबर पे सिख्स जैन्स का, दूसरे पे क्रिश्चियंस का, तीसरे पे फिर बौद्ध का, चौथे पे सिख, पांचवे के पे हिंदू और छठे पे मुस्लिम्स। यानी कि जो सबसे ज्यादा जो सबसे कम लिटरेसी रेट है वो कहाँ देखने को मिला है हमें, मुस्लिम कम्युनिटीज में देखने को मिलता है। यहीं पे अगर हम कोई हाई प्रोफेशन ऑल इंडिया सर्विस की बात करें या हम सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सर्विस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है टोटल 13.5 है, जिसमें से अगर हम बात करें 3 IAS, 4 IPS, 1.5% IFS, और स्टेट की बात करें जो कि PSU के थ्रू तो 10.8%, और टोटल अगर हम फिर बैंकिंग या RBI की बात करें तो 2.2। ये गवर्नमेंट सेक्टर में जो एम्प्लॉयज वर्क काम करते हैं, अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो वो उसका डाटा यहाँ पे दिया गया। और जो कि किसका, तो ये कम्युनिटी है प्राइम मिनिस्टर हाई लेवल कम्युनिटी रिपोर्ट 2006। और जो सोर्स है इसमें सोर्स क्या है, सोशल इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया। तो इस डाटा के थ्रू क्या हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारे कंट्री में जो लिटरेसी रेट था बेसिस किसका, 2001 सेंसस के आधार पे किसमें कितना था। फिर अगर हम बात करें कि इन सभी आंकड़ों से हमें ये पता चलता है कि केवल 4%, कितने 4% मुस्लिम बच्चे क्या है मदरसों में जाते हैं, और 66% बच्चे क्या है या तो गवर्नमेंट स्कूल में, और जो 30% बच्चे हैं वो कहाँ है, एक प्राइवेट स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं। तो ये सारे रिकॉर्ड्स हमें इन्हीं सब चीज़ के बारे में बताता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने क्या है जो भी हमारा हास्यकरण है उसको हमने इस चैप्टर में समझा, कहते किसे हास्यकरण, और जो हमारे इसके चार टॉपिक्स थे वो सारे हमने इसमें डिस्कस किया। कि इसमें ये भी देखा कि जो हमारे आदिवासी हैं वे कौन लोग होते हैं, आदिवासी के जो प्रचलित छवियां हैं वो क्या हैं, आदिवासी और विकास के बारे में समझा, किस तरीके से आदिवासी को उनके जो कल्चर है उनका जो जहाँ पे उनका नेचुरल लाइफ होड है, जहाँ पे वो लाइफ सरवाइव करते हैं, किस तरीके से वहाँ से उनको डिस्प्लेस किया गया। फिर हमने ये समझा कि जब उन्हें डिस्प्लेस किया गया तो किस तरीके से उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। फिर इसमें हमने ये भी समझा कि जो अल्पसंख्या यानी कि जो मेजोरिटी है, सॉरी माइनॉरिटी है, और जो हमारे हासिकरण है उसके बारे में समझा। फिर हमने इसमें ये समझा कि जो मुस्लिम्स रीजन्स हैं और जो हमारा
हास्यकरण है उसके बारे में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो हम जब अगला जो चैप्टर है 8th चैप्टर जब हम इसका डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जाके हम अपना चैप्टर जो 8 है उसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद। और आप अपना फीडबैक वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके दे सकते हैं।